कर रहे हो? अच्छा, क्या क्या कर? सही करने के लिए आ गया हूँ। वो गर्मी इतना है, लादे लादे सही करनी पड़ती है। वो भी सही करते हैं, फिर हम भी सही करते हैं। ये क्या खोल रहे हो, क्या देख रहे हो? पापड़ खोल रहे हैं, इसके नसीब में नहीं है जी। काम कर करके अब सही करने आ गए हो? हाँ जी। गर्मी देखो, बता गर्मी बहुत है, मैंने बताया गर्मी बहुत है। भी जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का। ये कौन आ गए जी? ऊंचा जूस की जाना बात हो रही थी, आप लोगों को बताऊं वो ये है। ये खट्टा जूस है जी, ये वैसा खट्टा नहीं है यार। हम काम करते हैं, कैमरा मैन किसको कराते हैं, तो इंशाल्लाह ये रखते रहेंगे। माशाल्लाह सारे काम लग रहे हैं, हम भी काम करते हैं आपको। ठीक है जी, भाइयों को नहीं पता। ठीक है जी, ओके। वही छिपली के अंडा जो है ना उठाया हुआ है, तो सारा काम शेयर कर रहे हैं जी। चलें जी, अभी काम शुरू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाल बात करनी है ना। चलता पे थोड़ी उठी खा रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे देखने वाले कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुश हैं, तो कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है। शुक्र अजाद पाकिस्तान वाले करता है जी। अलहमदिल्ला माशाल्लाह सुमा अलहमदिल्ला। यहाँ पे ना मैंने ये ईटें वगैरह जो है ना ये सेट करवाने शुरू कर दिए, खुद ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ पे अपना मकान बना कर यहाँ पे बैठ जाऊँ। वेरी गुड हो गया जी। वेरी गुड। इधर मकान बना के इधर ही बैठ जाऊँगा, अब उधर जाने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं जाने वाला, इधर ही मकान बनाऊंगा, इधर ही रहेंगे। सही बात। ओके हो गया जी। ओके चलो चलो, बैठो काम करो, बैठो। एक मिनट है, दिखाए सारे सारे नहीं दिखाए गए प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का करम है। आप लोग की दुआएं हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद है अल्लाह पाक से नेक साले औलाद है, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो गया, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने देखा है, कल की मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत परेशानी बनी हुई थी। अभी तक जो है ना मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक का करम है। मुकम्मल कम्प्लीट जो है ना मैं बेहतर नहीं हुई हूँ, दवाई जो है ना मेरी चल रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इधर जो है ना हम एक और शादी वाला घर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने देखा है कि इधर काम वगैरह हो गया, बहुत सारा काम करना है। इधर सिस्टर ने भी मना कर दिया था कि अभी आपने घर नहीं जाना, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे बातें ना किया करो। किसी के ऊपर आप बोझ बन के मुसल्लत हो गए, इतनी दिन हो गए वहाँ पर रह रहे हो, घर नहीं वापस आते, हर कोई चला गया है, आप नहीं चले आए। उनकी रूटीन को आपको पता है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास पैसा है, वो जब आते हैं बन जुल के आते हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाते, वो अपनी शादी ब्याह जहाँ जाते हैं अटेंड करके चले जाते हैं। लेकिन हम जो है ना हम ऐसा नहीं कर रहे, हम बहन भाइयों के साथ चलते हैं, क्योंकि ये जो है ना प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तो इसलिए हम ठहर गए। हम हर किसी की इज्जत बराबर से करते हैं, कोई भी हो ना। ये देखिए, बड़ी सिस्टर के बेटों की शादी थी, तो हम बड़े थे, उसके बड़े मामी और मामू बच्चों की तरह उनको पाला था, तो उनकी शॉपिंग वगैरह करनी थी, उसके शादी का काम, सिस्टर खुद बीमार थी, तो इसलिए हमने उधर गुजारा। उधर से शादी से ईजी हुए थे, इधर आसन की शादी की डेट फिक्स होगी। ये भी नंद है मेरी, बड़ी है, भाई है, और मौजा मलिक का ससुराल है। इन्होंने मना कर दिया कि अभी जो है ना आप जाओगे 10 दिन फिर वापस आ जाओगे, बहुत सारे खर्चे किराए लगते हैं, तो इस वजह से हम रुक गए। उन्होंने मना किया है कि हमारे साथ काम वगैरह भी करते रहो, और शादी भी आने वाली है इंशाल्लाह, ये शादी खाएंगे तो फिर घर को चले जाएंगे। अल्लाह पाक खैर करे। आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग की मोहब्बत की ज़रूरत है, और आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जो है ना अल्लाह पाक खैर करेगा, जो जैसी रूटीन होगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
और बाकी सब लोग जो है ना काम पे लगे हुए हैं, मैं अभी बैठी हूँ, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, तो इंशाल्लाह साथ साथ में जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं भी काम पे लग जाऊँगी। मेरी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरा हस्बैंड है, सब लोग मिलजुल के काम वगैरह शादी के शुरू हैं। तो ये 10 दिन मुहर्रम वाले हैं, उसके बाद जो है ना हो जाएंगे शादी के फंक्शन शुरू। आप लोगों ने करना है इंजॉय, और शादी की शॉपिंग भी साथ साथ होती रहेगी 10 दिन के बाद। आज शायद तीसरा दिन है, ख़त्म होने को है मुहर्रम शरीफ जो लगा है, तो इंशाल्लाह ये 10 दिन गुजार के आगे शादी खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने इंजॉय करना है इंशाल्लाह। खैर खुशी से ये शादी हो जाए, फिर हम चले जाएंगे अपने घर की तरफ। हाँ जी, आप कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या कर लिया है? चाय लेके खा गया हूँ। बिस्कुट खा लिया ऐसे? आपके अब्बू क्या कर रहे हैं? ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। अभी जो है वो ईंटें वगैरह उखाड़ के उधर कुछ फेंक दिए हैं, कुछ बच्चे काम शाम कर रहे हैं। मैं थोड़ा थक गया था, पसीना भी आ गया था, तो सही करने के लिए आ गया हूँ। वो गर्मी इतना है, लादे लादे सही करनी पड़ती है। वो भी सही करते हैं, फिर हम भी सही करते हैं, फिर ऐसा लगता है लगे हुए। गर्मी में एकदम से नहीं होता ना, गर्मी इतना बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर 10 मिनट रुके ना, ऐसा लगता है कि बंदा बेहोश होने वाला है, इसलिए 5 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट में सही करते हैं, फिर 5-10 मिनट काम करते हैं, फिर 5 मिनट सही करते हैं। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ना हो तो काम निकल जाता। आज ही ये ख़त्म हो जाता। नहीं निपट जाएगा, काफ़ी निकल जाएगा। ये क्या लेके आई हो? ओके हैं, और के साथ जाओ ना, बोला के साथ जाओ, उसको लेकर पानी पिलाओ। वहाँ अभी थोड़ा भी पानी पीते हैं, ताज़ा पानी। फिर ये काम ने बैठ के फिर जाएंगे ट्यूबवेल पर नहाने के लिए, नहा के कपड़े छपड़े चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी, फिर जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। ओके हो गया। ये क्या खोल रहे हो, क्या देख रहे हो? पापड़ खोल रहे हैं, उसके नसीब में नहीं है। सवेरा ने लिया पापड़, उसका 10 रुपये निकला, जानत का निकला। एहसान ने कहा मुझे लिए ले कर दो, मेरे पास इसका अभी निकला नहीं है। हमने का चेक करें, खाओ ये देखे ना, खाओ फिर अंदर से निकल आएंगे। खाओ, ओ बीच में निकल आएंगे। बीबी का 10 फटा पुराना निकला है, वो चिमड़े पे है ना, बहुत से का इधर छुपे हुए हैं। आ जाए, आराम से खोल। 10 रुपये का सुई लगी हुई है, आराम से निकालना, पहले फटा हुआ है। चलो पीछे थोड़ा फटा हुआ है लेकिन चल जाएगा। चाल करना इसको, अभी इकट्ठा करना। आराम कर, आराम कर, चब जाना किधर कर चब। ओह अब पापड़ नहीं ले रहा, 10 नहीं निकलेगा। वह 10 निकल आएंगे, निकल आएंगे पुत्र, 10 क्या 20 निकल आएंगे आपके। 20 रुपये बधे बधे, 20 रुपये बधे, बदे 20 रुपये निकलेंगे जी। काम कर कर के अब सही करने आ गए हो? हाँ जी। गर्मी देखो, बता गर्मी बहुत है, मैंने बताया गर्मी बहुत है। भी जरूरी है लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी जरूरी है। बिल्कुल, सेहत खराब हो जाए तो फिर काम कैसे होगा, काम क्या करेंगे। मैं भी सही करने आया था, बताया मैंने, वो अभी काम करे, वो सही करने आएंगे, वह सही काट करके काम करते हैं। गर्मी बहुत है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं। वो क्या ढांधा पौधा बदी वह क्या है ना, ब्लड लो हो रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम फाइनल हो गया है, माशाल्लाह। बाकी जो रह गया है ये सफाई वगैरह, सुबह इंशाल्लाह ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं इधर, दिखाएं जरा ये चेक। ये सारी इनकी सेटिंग करेंगे सुबह, फिर गया है ना, इधर सारी सफाई करेंगे, फिर देखना खुला माहौल हो जाएगा। नहीं खुला माहौल हो जाएगा, जबरदस्त।
बस एक काम ओके हो गया, वेरी गुड वर्क हो जाएगा जी, जबरदस्त। अभी हवा लेके चलते हैं। चल रहा है बंद हो गया। ट्यूबवेल ही बंद हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब किस जगह पे चल रहा होगा इसका, कौन सा है? किस्मत खराब है, ट्यूबवेल ही बंद हो गया। इनका सोलर वाला है क्या? धूप खत्म हो रही है इसलिए, वो अभी धूप खत्म हो रही है, वो भी बंद हो जाएगा। सोलर वाला है ना, सोलर वाला कोई बीको वाला चल रहा हो ना, पीटर वाला, वो फिर सही वो चलता रहता है। सोलर वाले ना फिर वो धूप में चलते हैं, रात को बंद रहते हैं। वो तो बहुत दूर है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? इधर से काफी दूर है। अच्छा, नहीं दूर नहीं जाता यार, दूर नहीं, इधर मोटर चला के नहा लेते हैं। हाँ इधर ही नहा लेते हैं। वेरी गुड हो गया जी। ये कौन आ गए हैं जी? मैं अपने ऊंचा बोलो, ऊंचा अपने छोकरे आ गए, और कौन आ सकता है? अच्छा, इनको उस वक्त फोन कर देते, सामान ले आते अपना, मेरा आपकी बुरी हुई पड़ी है, घर से ही आ रहे हैं। अभी कह दूंगी, नहीं कह दो इसको। हाँ नहा के आ गए हो, बड़े तेज हो, क्या वजह? गर्मी हो रही थी। अच्छा चलो सही है। वालेकुम सलाम। इधर है लेकिन गर्मी आज से ज्यादा हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है गर्मी, वैसे हद बढ़ गई है गर्मी के। पहले पता चला कि जैसे सर में दर्द जैसे थोड़ा बहुत होता है बंदा, मैंने कहा कोई थकावट की वजह से हो गया होगा, चलो कोई मेडिसिन वगैरह लेके खा कर ठीक हो जाए। तो फिर आज सुबह पता चला कि आपकी तबीयत काफ़ी सारी खराब है, तो सलमान ने मुझे बताया, जब उनको बोला था मेडिसिन लेने के लिए तो उन्होंने मुझे बताया, वैसे कल खाला वाले भी आए हुए थे तो उन्होंने बताया था, लेकिन सुबह सलमान से पता चला कि तबीयत ज़्यादा खराब है, फिर मैंने कहा कि हो के आ गए। इतनी चक्कर, इतनी सुस्ती, लोन में चल भी नहीं सकता। कहीं से मेडिसिन वगैरह लिया? मेडिसिन लिया है, कल इंजेक्शन वगैरह लगवाया है 1 ग्राम, डॉक्टर को शेड को दवाई ली है, खाई है, अब वो फर्क हुआ? बस यही फर्क हुआ, बुखार और बाकी चीज़ें करना। अच्छा मतलब कुछ बेहतर है, बेहतर पहले से, कल परसों तो वो आए थे ना, कल आपने खाला वाले, वो जो है ना उन्होंने बोला कि वो मतलब सोई हुई है, वो उठ भी नहीं सकता। नाक भी बंद हो गया था, कान भी बंद, गला भी हो जाए था, इतने करेगा, और इस बंदे को भी साथ लेते आएंगे, मेरेगा तू भी आके ना इधर ये आपकी तबीयत का पूछती रहती है, तो हम इसकी तबीयत पूछने आए हैं। अच्छा आपको इसकी तबीयत का तो पता नहीं है?
है, मैं हर बार पूछे थे इमरान और सलमान और सब वीडियो देखते थे। तो जब हम आए थे अब अलहमदुल्ला इसको हम खिला खिला रहे हैं। अब मैं आया हूँ ना तो मैंने कहा चल मेरे साथ, कहते क्यों उधर उधर कोई दूसरा से कम का प्रोग्राम होगा फिर लेकर आते हैं इसको लेकर आ गया। आप डॉक्टर भी लेकर आते हैं होटल वो दुकान नहीं खुली हुई थी, नमाज पढ़ने गए हुए थे, रास्ते में मौसम मिल गया, मैंने उसको बोला होटल लेकर चलते अच्छा किया सीधी हो जाओ। मैंने कहा इसकी कोई बात नहीं है, अगर दुकानें खुली हुई होती मैं ले गया। तो बस इधर आप लोगों को पता भी है हमारे जो है ना इधर पूरी मार्केट में सब चीज़ का आप लोगों को पता है। तो मार्केट का भी सब कुछ भी नहीं मिलता, वरना जो बंदा मरीज के लिए जाते हैं ना, तबीयत के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल मतलब उनको मिलने के लिए जाते हैं, हाल पूछने के लिए जाते हैं ना, ये चीज़ ले जाते हैं साथ में। लेकिन इधर हमारे मार्केट में, मार्केट क्या है, दो एक तीन दुकानें हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ पापड़ मिलते हैं बस, पापड़ और दाल मिलती है। बिरयानी खाया करे, बिरयानी खाया करे, यार एक हफ्ते में एक बार इनको बिरयानी दिया करो। हाँ सही है, इसका जैन आता है, हफ्ते में आता है जैन। तबीयत ऐसे खराब हो जाएगी, हाँ बिरयानी जब खाती है ना ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और नमकीन होती है ना वो तो होता नहीं हो जाता है, बराबर आ जाता है, बराबर आ जाता है। और जैनब आप सुनो, कल मैं उधर जा रहा था बाइक के, जैनब इधर से कोई चीज़ क्या आ रही थी, और कौन थी आपके साथ? मरियम थी। हाँ दोनों कुछ लेके आ रहे हैं, ये भी दुकानों पे आते रहते हैं, आ जा लगा रहता है इनका चक्कर चुक्कर कुछ मतलब। लेकिन बाद में भी मजीद गप सप लगाते हैं, मौसम भी आता है तो इंतज़ार कर रहे हैं अभी खाने पीने का आराम से। हाँ बस वो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बोतल शूटर कोई हो, ये बोतल था हमने तो नहीं बोला था कि आप बोतल पीने नहीं नहीं उधर जो है ना चावल थे, गोश्त थे, गोश्त खा के चावल खा के फिर इधर आए हैं, इन्होंने चावल बनाया चावलों के ऊपर एकदम से फौरन बोतल पी ली, जैसे फौरन बोतल पी उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। हाँ गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है, इतनी मेरे मैदे में हीट है, इतनी जैसे अंगारे लगे हो। अब मगरब के टाइम तक ना ये देख लो कि सुबह 10 बजे से लेकर ना मगरब के टाइम तक पसीना नहीं छूटता किसी, और कभी कभी ऐसी भी रात आती है जो रात को भी चल रही है, ये सीन बन गया आजकल। इतनी गर्मियाँ नहीं हुई हैं किसी साल भी, इतनी गर्मियाँ नहीं हुई जो अभी हो रही हैं। इतना गर्मी रात को भी हवा भी नहीं चल रही, वो पंखा बड़ा तेज है, ये हवा ना चलो कुछ नहीं तो आती है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्यों हो परेशान? नहीं क्या मसला है, गर्मी का मसला है? फिर आप कहेंगे कैसी रहती है गर्मी, गर्मी का सुनाओ, गर्मी का सुनाओ। हाँ बीबी, हाँ जी, आपका क्या हाल है? नहीं आप वीडियो में मसरूफ थे ना इसलिए। मरियम क्या कर रही हो? मरियम मरियम जिन्नी क्या कर रही हो? इसके बाल देखें जी, बाल देखें, इसके बाल देखें इसके। और यहाँ पे दुआ बैठी है, हेलो दुआ, हाँ हीरो किधर जा रहे हो? शॉप पर। शॉप पर, वाह जी वाह, ये हजाम बन रहा है जी, पक्का हजाम बन रहा है, आधा बन गया, आधा बन गए हो ना? हाँ जी। बाकी आधा रहते हो? हाँ जी। वो भी बन जाओगे, सही है। मेहमान काले हो रहे हैं? बड़ी काली है, मेहमानों को बड़ी काली है अभी, मेहमान बनना कोई हमसे सीखे यार, जहाँ पे जाओ बैठ जाओ बस। मेरी बात सुनो, हम बार बार इसलिए आते हैं ना, वैसे तो काफी दिनों के बाद आया हूँ, हम जब से आप नहीं आए पहले पता है आठ।
खट्टा जूस पीना है। मरीज आपको पता है। अच्छा वो वाला। हाँ सही है, आलू बुखारे होते हैं, सारा सिस्टम होता है उसमें। ऐसे करें ना। आपने क्या सोचा? पैसा देख रहा है कि नहीं है? अल्लाह पाक केयर करे। तो देखने वाले जितने भी हैं ना, आप लोगों ने मेरी मम्मी के लिए दुआ करनी है, स्पेशल उनकी तबीयत जैसे जैसे। आमीन आमीन। और आप लोगों को पता भी है ना कि शादी पर जो है ना, जितना भी हमारा काम हुआ है, या फिर मेरी मम्मी ने किया है या फिर रश्मि की है, तो ये दोनों आपके लिए हो गई है। आमीन। मम्मी मेरी भी बीमार हो गई, उस दिन दवाई नहीं लेने चले गए। काम खत्म ना होता ना हम भी। हाँ, मुझे पहले पता था, मैंने कहा यूँ ही काम से हम रुकेंगे ना, काम खत्म हो गया, हम चार पैसे पाँच चले। अल्लाह पाक सेहत देगा। अम्मी अम्मी की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है, और आप सब लोग ने स्पेशल दुआ करनी है अम्मी की। और मजीद जो है ना वो वो अपनी अम्मी को अम्मी बुलाता हूँ, आपको मम्मी बुलाता हूँ। आमीन। फिर भी शादी आने वाली है। दीदी सलाम करो भैया को। भैया को सलाम तो करो, उसको आपकी मुंह चाय है और आप मिलते भी नहीं हो। वो क्या मम्मी वाले नहीं है? हाँ भाई, यार हमने सुलेमान को बोला था यार आज हमें ले जाना, वो है हम सोए पड़े थे सारे। अच्छा, तो वो दवाई दे के चला गया। अभी बुला लेते हैं, मसला नहीं है, ले जाएगा। नहीं फिर वो दिन का दिन कह रहे थे ना, रात को फिर आपके पास लाइट नहीं है, मसला है। अच्छा, आपके अब्बू ने वो पूरा भी जला दिया है, उससे भी दिल टूट गया। फिर हम गैस लगाते हैं, फिर रात को कमाल कर दिया। नहीं फिर रात को रोक रोक था कि चार बंदे पकड़ने वाले थे, जल्दी से भाग के लगा दिया फटाके कर दिया। अब उसको बोलो चट्टी रखो। थोड़ी देर के बाद देखा तो सारी बो थी, पुर्जे से सारी हवा गंदी बो आती है। फिर ये दुआ करें कि बैटरी बच गई। हमारा 15,000 15,000 दिया बैटरी। हाँ हम लेके आए थे, मुंशी और मैं लेके आए थे यार। देखा पुर्जा जल गया ना, फिर बताया वो क्या बोलते हैं, कहते हैं हाँ मुझे पता है आप लोग जलते हो, आज के बाद मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। पुर्जा भी साथ दिया, बोलते हैं कि आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जाओ आप अपने हर बार यही बात अपना काम करो। ये बात है, आप क्या कह रहे हैं, अब वो आप क्या बोल सकते हैं। चलन जी ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप उसको दिखाएंगे वो बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर और ढूंढ लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप सुनाओ ठीक हो? देख रहा हूँ, मैंने सुना है आज आपने बहुत कमाया है, आज आपने बहुत कमाई की है। पूरा मकान तोड़ा है, सुबह का 6 बजे के लगे हैं। ये क्यों बना रहे हो मकान? मकान तो दो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुल्हन की फरमाइश है, और बनवाओ। फरमाइश आ रही है, वो पूरी कर रहे हैं। दुल्हन वालों की फरमाइश है। हाँ जी, मकान तैयार करो, शादी के और मकान तैयार करो। वाश जो वाशरूम है इनको भी तोड़ के दोबारा सेट करवाओ, ये भी सही नहीं है। हाँ जी, ये खराब है, बाकी खुलम खुले बनवाओ, खुलम खुले बनवाओ। और उसमें ना रोशनदान भी रखना। हाँ हाँ, जब तक इनकी लाइट नहीं आती हम भी बनवा रहे हैं। उधार पे आप ना नहाने देना, उधार कर रही हम भी कोशिश कर रहे हैं कोई बड़े। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं कहता हूँ पूरे एक रूम जितना बड़ा वाशरूम हो। बीबी बंदा भाग गया। बीबी आप बैठ जाओ या सेट कर जाओ। नहीं सोए नहीं, फिर मैंने मुंशी को ये भी बोला कि अपना वाशरूम बड़ा बनवाना है, और फिर हम चलो उसमें ना चलो इसके हम चले वो करो पता नहीं क्या। फिर उसमें ना हमने एसी भी लगवाना है। ओ खैराम, हमने एसी भी लगवाना है। ओ खैराम, वाशरूम में एसी? आपने कभी सुना है, कभी देखा है कि वाशरूम में भी एसी हो? हाँ लगवाते हैं, लगवाते हैं हम, लगवाएंगे वाशरूम में भी एसी, लगवाते हैं, लगवाने वाले लगवाते हैं। 3-3 घंटे जो लगाते हैं वाशरूम में वो ए सी लगवाते हैं। कुछ मेहमान आते हैं ना हमारे बाबा तो वो
कैसे मामू वो हमारे मेहमान कमरे से ज्यादा वॉशरूम में रहते बेटा हर बार ड्रिप पे जिंदा रहूंगी। ड्रिप लगवा लो सही हो जाओगी, पक्की बात है। वैसे भी एक हफ्ता पूरा हो गया है, मैं मरीजों के दरमियान ही गुजार रहा हूँ, तो आपको भी लगा देंगे ड्रिप। कैसे गुजार, सबको ड्रिप लगा रही हो? हाँ सबको, जो भी मरीज आता है ड्रिप लगा देते। गर्मी है ना? अच्छा, गर्मी में फायदा देती है गर्मी में फायदा देते हैं। लगा लो। नहीं वो परेशान हो रहे हैं कि जब भी मैं बीमार होंगी ड्रिप लगेगी, ड्रिप लगेगी, ड्रिप लगेगी। दीदी कोई मसला नहीं, गर्मी है, गर्मियों में फायदा है। बस जब तक ड्रिपें की होती है। अभी मैंने भी लगवाने हैं दो दिन तक। हाँ पहले आप लगवा लो, फिर उसको लगवाएंगे। आप लगवा लो पहले डॉक्टर खुद लगवाए ना, बाद में मरीज को देखेगा। आसान तरीका भी बताया करो डॉक्टर, हर बात आसान तरीका। और इसका हाल है? और हाल होता तो निकालता ना। अच्छी बात है, तो करोगे आप? मुश्किल बताओ, देखते हैं। देखना ये खुद बोलेगी मुश्किल है। सुबह सुबह उठो, 3-4 किलोमीटर दौड़ो, भागो। एक दो कुत्ते में कुका कुत्ते यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं करते कुत्ते यहाँ पे, भाग जाते हैं। दिल को नहीं होता ऐसा ऐसा करना है के पास। अगर पूछा जाए ना बच्चे की तरफ, बोलेगी मुझे अजाब नहीं। एक दो दिन कुछ होगी तक फिर आदत बन जाए। एक दो दिन तो आप बेहोश हो जाओगे फिर कोई उठाने वाला तो उसके बाद जो है ना फिर कोई मसला आ जाएगा। चले जी अभी बैठे करते हैं। माशाल्लाह जी, डॉक्टर सुल्तान यहाँ पे आ चुका है। बॉस क्या करने आया है? मैं बताई तेरे खावन भी बनाया असा थोड़ा खाने पीने पे, तू खावन भी बनाया। मैं बच्चा बता ना। अच्छा, बाकी कोई होवे कुछ चावल शावल बिरयानी शिरयानी बनाओ, उठो ओ, सब चीज रात खा के बना दे, सब चीज तैयार हो जाएगी। अच्छा, लेकिन टाइम लगेगा। चलो फिलहाल पानी ले आओ, मीठा मसला कोई नहीं है। वो बाहर आया खड़े आलू बुखारा, ठंडा मीठा पानी। वो खट्टे वाला किधर गया? चला गया खट्टे वाला लेने के लिए गया। मैं ना अच्छा अपनी मम्मी का जो है ना हाथ अपना हाल अवाल पूछने के लिए आया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। तबीयत जो है ना काफी दिन हो गए हैं तो बेहतर नहीं है, शादी के बाद की बीमार हुई है तो तबीयत सही नहीं हुई है, तो मैं ना उनकी तबीयत के बारे में पूछने आया था। बहुत अच्छा किया आपने, जबरदस्त। तो ये तो वैसे ही मतलब मेहमान जब आता है फिर उसके खाने पूरी तो करनी पड़ती है, ये तो होता है। वो मेहमान बोलता नहीं होता। अच्छा, मैंने भी नहीं बोला, कर देते हैं बस। मैंने भी नहीं बोला, इशारा दिया मैंने, बस इशारा दे दिया मैंने। उड़ा रहे थे मारिया गाल दे ही कहना नहीं, असल में ये मुझे अपना डर था। अच्छा, मैंने इशारा दिया, मैंने कहा फिर बाद में रहना जाए, ये बात है। अच्छा अच्छा, चलें जी खट्टा शरबत आता है तो देखते हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन पीता है। ये एक बोतल तो खुद, दो बोतलें तो खुद पी। मैंने अपनी एक बोतल मंगवाई है, सवा दो लीटर। वो देखो अपने लिए, सवा दो वो खुद आप लोग पी लेना, बाकी आप देखते रहना। चलो सही है, ओके हो गया, ओके कर, ओके ओके। जूस की जो है ना बात हो रही थी आप लोगों को बताऊं, वो ये भले ये खट्टा जूस है जी। ये वैसा खट्टा नहीं है, आलू इमली वाला खट्टा है। हाँ, इसमें ना आलू बुखारा और खट्टी इमली जो है ना सारा कुछ मिक्स होता है। और इसमें ये देखिए बस लेदर बदे हुए तुखम बिलंगू नहीं होता, ये बिलंगू होता है अकेला। तो ये भी मिक्स है माशाल्लाह, ये ठंडा ठंडा बहुत होता है। ये पकड़ो इधर से, गरम हो रहा है। हाँ ये आपके अब्बू को देते हैं, आपको भी देते हैं। चलो अपने पापा को दो ऐसे ऐसे। बिस्मिल्लाह जी, आ गया जूस, बड़ा जबरदस्त होता है।
मौलवी को भी दो घोट को खट्टा पानी और चाहिए। अच्छा जो आप लोगों का दूल्हा है वो ये है, ये हमारा दूल्हा चेक करो माशाल्लाह। शादी को एक महीना दे रहे थे, अभी से बन रहे हो। शादी की डेट फिक्स हुई है ना, ये भी बीमार हो गया। ना करते शादी फिक्स ना करते आप सही थे। आपकी शादी फिक्स ना करते तो आप सही थे, आपकी जब शादी फिक्स हो गई तो आप बीमार हो गए हो। फिर यही है भाई, ना करते शादी फिक्स ना करते तो आप बीमार भी ना होते, ये बात है। यार मेरी गाल सुन रहे हो? अच्छा ज्यादा खुशी हुई है। औरते औरते में ना सुल्तान है और पीना है। मेरी गाल सुन, बंदे तो मेरा यार एक तक में गाल ये लो लोकमान ने शादियां की है ना, अभी यकीन मान ले बीवी होम के रहने भी नहीं देती। मेरे पास अभी तेरे पास टाइम है, आप पी लो अभी से। आप जो है ना अभी से भी कल्टी मार से अभी कल्टी मार सकते हो। सोच लो अभी एक महीना पड़े ये पहले जो है ना काफी कल्टियां लगा चुका है। मैंने उसको बात समझा दी, आप उसके अकल में आए या ना आए उसकी मर्जी। यह पल्टी मारने वाला है अपना, वो पलटी मारने वाला है, ख्याल करना है। नहीं नहीं ये मारेगा, पर इसने उसको सिखाया है। दो तीन बार और मेरी मुलाकात हो जाए ना ये पलटी मारेगा। आपकी बारी भी आनी है, फिर ये भी देख लो। बस 6 महीने बाद इसकी भी आ रही है। मेरी बारी जब आएगी मैं भी पलटी मारूंगा। देखते हैं आपकी कल्टी कहाँ तक जाती है। मेरी कल्टी बड़ी लंबी लंबी होती है, इधर से मैं अगर कल्टी मारू ना मैं खानपुर मिलूंगा, खानपुर से कल्टी मारूँ ना मैं इधर मिलूंगा आपको। हाँ बड़ी लंबी कल्टी है, ये नहीं है इधर कल्टी मारो उधर जाके गिर जाओ, ये कल्टी नहीं होती। हाँ वो बड़ी कल्टी है, बड़ी कल्टी है। और आपको चाहिए खानपुर से जतोई, जतोई से खानपुर। और पानी चाहिए ऐसे ही है। हाँ माशाल्लाह पानी जबरदस्त था, जैसे टेस्टी नहीं होता। हाँ जैसे मतलब ना पिए ना घूट भरे ना मजे का टेस्टी लगता है। ये थोड़ा हाँ मादा जो होता है ना वो हाँ भी वाला हो जाता है। ये सही है यार, बोतल से ये बेस्ट है, ये जबरदस्त चीज है। ये मैं तो अभी ठंडा हो गया, मेरा गर्मी सारी चली गई, ये देखो आप पसीना भी नहीं आ रहा। गर्मी हवा हो जाती है बिल्कुल। टप जाओ मेरे सर पे खड़ी हो गई हो। मामू की वीडियो में बहन भाई कह रही है पता नहीं इसको क्या है, आ रही है जा रही है। वो तो अपना काम कर रही है ना, आप करें काम। हाँ मैं तो अंदर से काम जाती हूँ आती हूँ। आप अपना काम करें, चले नहीं माशाल्लाह पानी पी के दिल बाग बाग हो गया है। हाँ बहला हो गया है। अच्छा आप लोगों की तबीयत कैसी है? खुश रखे। तो व्लॉग अपना यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।